आज करीब डेढ़ घंटे के लिए हमारी जो संसदीय रणनीति ग्रुप है, पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप, उसकी दूसरी बैठक हुई है जो 20 तारीख को हमारा मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा का और राज्यसभा का। उसमें जो विधेयक पेश होने वाले हैं सरकार की ओर से, जो मुद्दे हमें उठाने हैं हमारी विपक्ष की ओर से और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस पर लंबी चर्चा होगी। हमारे लिए 5-6 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम ज़रूर चर्चा चाहेंगे, बहस होनी चाहिए, इसकी हम मांग करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। पहला विषय तो मणिपुर है। इस पर कांग्रेस पार्टी अडिग है, इस पर हम इससे पीछे हटेंगे नहीं, इससे इस पर चर्चा होना जरूरी है। शुरुआत में ही इस पर बहस होने की जरूरत है। इसमें प्रधानमंत्री जी को भी बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बहस होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को जो हुआ है मणिपुर में, जो चुनौतियां हैं, सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है और करने वाली है, उसको संसदों को अवगत कराएं, उसकी जानकारी दें, बयान दें, स्पष्टीकरण दें, अपना मौन व्रत तोड़ें। ये हमारी पहली मांग है इस सत्र से। दूसरा बड़ा मुद्दा है रेल सुरक्षा। हमने देखा है कि वंदे भारत के नाम पर, इनॉग्रेशन के नाम पर जो कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता हुआ है रेल सुरक्षा को लेकर, रेल सेफ्टी को लेकर, और इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल जो हमें देखने को मिला है बालासोर में, इस पर क्योंकि रेल बजट पेश नहीं होता है, रेल मंत्रालय में जो चुनौतियां हैं, जो काम हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, उस पर सांसदों को बोलने का मौका नहीं है विस्तार से, तो हम जरूर इस पर चर्चा चाहेंगे जो बालासोर में हुआ है